हमें हरा दिया और हरा दिए, जब उनको लग रहा है कि हरा दिए तो अपने में शामिल क्यों नहीं करते हैं, उन्हें जेल भेजो क्योंकि उन्हीं की वजह से कोरोना फैला, तो वो छोटा रिचार्ज तो संघीय मानसिकता है ही, तो उसमें करना क्या है, चावल में चिकन डाल दिया, अलग से चिकन बनाएंगे तो अलग बात है ना, बोलेंगे चिकन चावल खाए। आम आदमी सरकार जब बनती है तो आप समर्थन, अरे जनाब पहले मेरी बात तो सुनो, तो उस हिसाब से तो हमने तो उससे ज्यादा वोट लाया, तो अब दूसरा ऑप्शन मुसलमानों के लिए बचता क्या है, वैसे सब बचते हैं। और यहाँ लोकल लेवल पे देखें कि लड्डन भाई के साथ है, उनको अपना कीमती वोट देंगे और बहुमतों से जिताएंगे उनको। इरादा नेक है, जो कैंडिडेट हैं ये भी एक खिदमत गुजार हैं आवाम के लिए, जनता के लिए, तो पूरी उम्मीद है कि जीत रहे हैं, क्योंकि इनको काम करना है, इन्होंने अहद किया है कि काम करना है, करके दिखाना है, क्योंकि जो आज ओखला वासी और इस वार्ड का जो प्रॉब्लम है, हर जगह नाले, छोटे छोटे काम नहीं होते हैं वार्ड में, तो उन्होंने एक अहद किया है, कुछ अपना वादा किया है, तो पूरी उम्मीद है कि जीतेंगे, कोई शक नहीं है। ये बुलाई हुई भीड़ है या फिर? सर बुलाई हुई भीड़ कितने दिन चलेगी, एक दिन दो दिन कितने दिन चल जाएगी, तो कोई लोग बुलाई हुई भीड़ है ना, कि ओबीसी के रैली में बिरयानी पे लोग आते हैं, आपने यहाँ के बिरयानी देखा है क्या? अभी आरोप लगता है ना, आपने देखा है कि बिरयानी खा रहे हैं लोग? जो लोग कहते हैं वो पेट में भूख लगेगी, लोग काम करेंगे तो खाना तो खाएंगे, अब दाल चावल की जगह लोग थोड़ा बिरयानी खा लेते हैं। अच्छा, उसमें करना क्या है, चावल में चिकन डाल दिया, अलग से चिकन बनाएंगे तो अलग बात है ना, बोलेंगे चिकन चावल खाए। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी की बी टीम है, ये फायदा पहुंचाने आती है, खुद छोटा ही रिचार्ज है, वो खुद छोटा रिचार्ज है बिल्कुल, आपको नहीं पता है मरकज के बारे में उन्होंने क्या कहा, शाहीन बाग में जब हमारी माँ बहनें बैठी हुई थी तो उसके बारे में क्या बोला, 2 घंटा हमारे लिए पुलिस दे दो, रास्ता खाली करा देंगे। साथ साथ मौलाना साद साहब के बारे में क्या कहा कि उन्हें जेल भेजो क्योंकि उन्हीं की वजह से कोरोना फैला, तो वो छोटा रिचार्ज तो संघीय मानसिकता है ही, तो वो खुद ही बीजेपी का बी टीम है, तो वो दूसरे को क्या बोलेंगे। और आप अभी हमारे प्रत्याशी से पूछ रहे थे कि गोपालगंज में आप 12,000 वोट लाए, गुस्सा हो गया? नहीं, मैं उसके उस पर आपका जवाब दूं, महागठबंधन 7 पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी और 7 पार्टी मिलके 63,000 वोट लाए, इसका मतलब 9,000 पर। सरकार जब बनती है तो आप समर्थन, अरे जनाब पहले मेरी बात तो सुनो, तो उस हिसाब से तो हमने तो उससे ज्यादा वोट लाया, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, उससे ज़्यादा वोट तो AIMI लाए। और वो जहाँ वो सेकुलर की बात आई तो AIMI को क्यों नहीं, वो मीम को क्यों नहीं गठबंधन में रखती है, तो वहाँ पर वो किसकी बी टीम है, इसका मतलब वो खुद बी टीम है। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे? सर देखिए, बात बी टीम की नहीं है, बीजेपी जब आई थी पूरे हिंदुस्तान में राज करने के लिए तो वो एक एक सीट करके तो जीती ना, तो ये भी एक एक सीट करके बढ़ा रहे, इसमें बी टीम कहाँ से आ गई, कोशिश तो करना है ना कि हमें आज 15 डाला इन्होंने, कल 20 डालेंगे, 200 डालेंगे, फिर 250, फिर 215 पे फाइट करेंगे, तो ये आहिस्ते आहिस्ते इसमें तो कोशिश तो करेंगे, इसका मतलब बी टीम थोड़ी हो गए, हर आदमी छोटा से तो बड़ा होता है ना, तो इन्होंने भी एक जाल बिछाया, हल्का हल्का अपनी टीम बनाएंगे, ऐसा नहीं कि वो हर पूरे दिल्ली में वार्ड में ले अपनी सीट को डालेंगे, इसमें कोई बी टीम नहीं हुआ, कोशिश तो छोटा ही से होगा ना, 2 सीट 4 सीट 10 सीट 50 सीट होंगे। सर आप युवा हैं, टी शर्ट पहन के घूम रहे, लड़ाई सियासत के नहीं, हमारे वजूद की है जी, क्या हमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि लड्डन भाई के साथ हैं, उनको अपना कीमती वोट देंगे और बहुमतों से जिताएंगे उनको जी, ओखला का। हाँ जी इंशाल्लाह जीत रहे हैं। यहाँ पे जो है ओबैसी साहब के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा। बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। नेशनल लेवल पर देखिए तो आम आदमी पार्टी से जो है मुसलमान ऐसे ही नाराज हो रहे हैं उनके केजरीवाल के गिरगिट जैसे रंग बदलने के लिए। नौबत यहाँ स्टार्टिंग में कहे कि जो है हमको मस्जिद मंदिर से मतलब नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से मतलब नहीं है, हमको डेवलपमेंट पे मतलब है, और नौबत धीरे धीरे यहाँ तक आ गई कि अब नोट पे जो है गणेश जी की और जो है लक्ष्मी जी की फ़ोटो तक आ गए, तो इसको लेके तो नेशनल लेवल पे ऐसे ही सब लोग उनसे परेशान हैं, तो अब दूसरा ऑप्शन मुसलमानों के लिए बचता क्या है, वैसे सब बचते हैं। और यहाँ लोकल लेवल पर देखें, दूसरा ऑप्शन तो समाजवादी है नहीं, यहाँ पर देखें लोकल लेवल पर अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो कांग्रेस का जो है प्रत्याशी 15 साल से है, तो उसका काम सब लोग देख चुके हैं, उसमें उसके लिए बदलाव चाह रहे हैं, जब काम ही नहीं हो रहा है तो बदलाव तो चाहेंगे ही चाहेंगे। अब रहा कि जो है आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी का जो है यहाँ पुराने जो कार्यकर्ता थे
जो यहाँ महमूद साहब थे या लड्डन साहब थे, तो उसके जो है सीट की बंटवारा जो है पार्टी ने पता नहीं किस हिसाब से की, बिल्कुल ही अलग अलग कर दी। तो जो कैंडिडेट तो नाराज हुए उसके साथ साथ यहाँ की पूरी जनता ही नाराज हो गई। तब पूरी जनता नाराज हो गई तब वो किसको देगी अब? तो अब तो ले दे के बचा हुआ वैसी साहब का जो है पतंग छाप बचा हुआ। तो मतलब साफ है कि बीजेपी हिंदू हिंदुत्व कर रही है, आप भी मुस्लिम मुस्लिम की। हाँ, तो यहाँ पे तो जो है वही ऑप्शन या न्याय मुस्लिम मुस्लिम की बात नहीं है। एक प्रत्याशी तो यहाँ देख रहे हैं कि जो 15 साल से जो है कुछ किया नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बचा हुआ है। ये तो नई पार्टी है ना सर, क्या करेंगे? पार्टी नहीं, नहीं कैसे करें? पार्टी नहीं नहीं है ये, कैसे आप कह रहे हैं? बहुत पुरानी तो पहली बार आया ना। हाँ, हाँ पार्टी तो बहुत पुरानी है। हाँ, ये कहिए कि अभी यहाँ पे जो है, और यहाँ तो हर पार्टियाँ जो हिंदू मुस्लिम की बात क्या है, यहाँ पे तो पूरा मुसलमान ही है, तो मुसलमान के लिए तो ज़्यादा यहाँ है ही है उनके लिए, वैसे अच्छा और कोई है नहीं। अच्छा। हाँ, और जो है ऑप्शन भी यही है, इसलिए कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनके काम से भी तो लोग परेशान हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। कहते हैं कि यूपी के लिए समाजवादी सही है, ठीक है, और बिहार के लिए आरजेडी, ठीक है, महाराष्ट्र के लिए शिवसेना, ठीक है, सिर्फ आप जो है हैदराबाद के, ठीक है, बस ठीक है। तो लोग जो ये लोग कहते हैं, तो फिर ये बाद में क्यों कहते हैं कि हमें हरा दिए, और हरा दिए जब उनको लग रहा है कि हरा दिए, तो अपने में शामिल क्यों नहीं करते हैं, उनको जगह दें, खाली इल्जाम लगाने के लिए हैं। और बिहार में जो कह रहे हैं, तो उनके साला घर का लिया है 8,000 वोट, तो नहीं बोले वहाँ पे कि हमारा साले ने हरवा दिया, वो वैसे सा भी दिखाई दे रहे हैं। आप भी तो 12,000 लाए ना सर। तो 12,000 तो लाए ही, तो हराने के लिए लाए ना, जब हमको नहीं ला रहे हैं साथ में, छुपे हुए थे। हाँ, पूरा खुल गए कि बीजेपी के बी टीम है। नहीं, बी टीम कहने से वो तो पार्टियां कहती हैं, कहते रहेंगी, सब एक दूसरे को कहते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है उनको लग रहा है जिनको कि वो वैसे साहब जो खेल बिगाड़ रहे हैं, तो उनको अपने शामिल करो। आप कह रहे हैं कि मुसलमान को ऑप्शन नहीं है, गुजरात में अगर ओवैसी साहब जाते हैं तो मुसलमान ही काला झंडा दिखाते हैं। कहाँ पे काला झंडा दिखाते हैं? गुजरात में। अब कौन दिखा रहा है? ये तो हर पार्टियाँ, कोई किसी पार्टी का सभा हो रहा है, हम उठा के झंडा दिखा दे तो हो जाएगा? वो तो बदनाम करने के लिए होता है, वो तो हम भी किसी पार्टी में 10 आदमी ले जाकर खड़ा कर देंगे, काला झंडा दिखा देगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।